क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन में दे रहा है, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4,275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग से हैं तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। ठीक है, चलिए यहां पर मान लेते हैं हम टोटल स्टूडेंट कितना ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं कितना 100x मान के चलते हैं। कितने हैं 100x है। ठीक है, चलिए अब इसमें से क्या हो रहा है, 5% अभ्यर्थी तो अयोग्य हो गए, है ना, अयोग्य हो गए, तो योग्य कितने हो गए, योग्य स्टूडेंट 95%, 100x का 95%। क्यों, क्योंकि 5% जो है वह डिसक्वालीफाई हो गए, डिसमिस हो गए, मतलब तो योग्य साबित नहीं हो पाए। तो ये हो जाएगा 100x गुणे 95/100, डबल जीरो कैंसिल, कितना 95x। अब दे रहा है इस में से 85% जो है सामान्य वर्ग के हैं। अब देखिए योग्य स्टूडेंट कितने हैं, योग्य स्टूडेंट की जो संख्या है 95x, इसमें से जो 85% है वह क्या है, जनरल कैटेगरी के है, तो अन्य कैटेगरी के अदर देन जनरल कितने होंगे, 15% होंगे। आ रहा समझ में, और इसी का मान दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4,275। तो बोला जा रहा है टोटल कितने अभ्यर्थियों ने भाग लिया। चलिए तो हम क्या करेंगे, 95x का 15% निकाल के इसके इक्वल कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि जनरल दैट मीन सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या इतना है। यदि वो दिया होता तो हम उसका 85% निकालते। क्वेश्चन में दे रहा है कि जो सामान्य नहीं है उनके संख्या दिया हुआ है 4,275, यानी कि हम बोल सकते हैं 95x का 15% जो है वह कितना है, 4,2,7,5, 95x गुणे 15/100 बराबर 4,2,7,5। कैंसिल करिए, यहां से 15 से कैंसिल करेंगे, 15 × 2 = 30, 12 मिलेगा यहां से 17, यानी 127, 15 × 8 = 20 से 120, 7×5 15×5 = 75। ठीक है, अब कितना से कैंसिल हो जाएगा, इसको हम कैंसिल करते हैं 95 से, तो 95 × 3 से, चलिए x का मान निकालते हैं ना, यहां पर 285 × 100/95। क्या कर रहे हैं, यहां से 95 से कैंसिल करिए, तो 95 और 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, कितना 90 में 3 से करेंगे 270, 15 × 285, यानी कि 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 से। x का मान कितना मिल गया, x का मान मिल गया 300। हमसे पूछा जा क्या रहा है कि कुल कितने अभ्यर्थी थे, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 100x, तो मान पुट कर दीजिए यहां पर 100 × x का मान कितना निकाला है 300, कितना मिल जाएगा 3, 4×0, ये हुआ हमारा आंसर। चेक करिए ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा सही, तो नोट डाउन करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, किसी परीक्षा में ए तथा बी अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं, यदि इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है तो परीक्षा का पूर्णांक कितने थे। ठीक है, चलिए दे रहा है, तो मान लेते हैं टोटल नंबर जो है कितना मान लिया एक्स। ठीक है, अब ए और बी जो है, ए प्लस बी, ये कितना नंबर गेन कर रहे हैं, ए गेन कर रहे हैं 783, कितना नंबर गेन कर रहे हैं ए और बी मिलकर 783, और ए कितना गेन कर रहा है, ए गेन कर रहा है एक्स का 60% और बी गेन कर रहा है 30%। दैटवी सांस में बोल सकते हैं ए का मीनिंग हुआ एक्स का 60% प्लस बी का मीनिंग कितना हो जाएगा एक्स का 30% इक्वल टू 783। इसी को सॉल्व करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए ये हो जाएगा एक्स गुणे 60/100 प्लस एक्स इंटू 30/100 इक्वल 783।
कैंसिल कर दीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0 कितना हो जाएगा 6x, 1 अपॉन में 10 को कॉमन ही कर लेते हैं, प्लस 3x इक्वल कितना 7 8 3, तो 6 और 3 9x इक्वल टू 7 8 3 इंटू 10 होगा, इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में चला गया, x का मान 7 8 3 इंटू 10 अपॉन में कितना 9, कैंसिल करिए 9 से कैंसिल हो जाएगा 9 8 72 यानी कि 87 इंटू 10 दैट मीन 870 ये होगा हमारा टोटल मार्क्स, यानी x का मान कितना 870। चेक करिए ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन मेरा हो गया सही बी, ठीक है चलिए इसको नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अजय अपने वेतन के 25% घर के किराए पर, 5% खदान, 15% यात्रा और 10% कपड़ों पर खर्च करता है, यदि वो 27,000 रुपया बचाता है तो उसका मासिक आय कितने है। तो हमने मान लिया, क्या मानते हैं यहाँ पर, टोटल जो उसका इनकम है, टोटल इनकम वो ले लीजिए कितना 1 रुपीज, है ना, 1 रुपया टोटल इनकम है। अब इसमें से क्या हो रहा है, देखिए इसमें से क्या हो रहा है 15% कहां पर, 25% घर पर खर्च हो जा रहा है, 25% घर पे खर्च हो रहा है, प्लस 5% खदान पर खर्च हो रहा है, प्लस 15% यात्रा पर भी खर्च हो जा रहा है, 15% यात्रा पर, प्लस 10% कपड़े पर खर्च होता है, 10% कपड़े पर खर्च हो रहा है। तो टोटल यदि परसेंटेज के फॉर्म में खर्च देखें, टोटल खर्च देखें कितना हो जाएगा, 25, 5, 30, 30, 10, 40, 40, 10, 50, 5, 55%, ठीक है ना, खर्च कितना हो गया 55%। जब खर्च 55% हो गया तो बचत कितना होगा, बचत हो जाएगा 100 में से 55 को माइनस करते हैं हम, कितना 45% बचत होगा, ठीक है। तो और बचत दिया भी है किसका 45%, इनकम का है, यानी कि एक्स का यहां पर लिखेंगे हम बचत बराबर एक्स का कितना 45%, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, ये है 27,000। आ रहा समझ में, चलिए x का मान निकालते हैं, x गुण है 45/100 बराबर 27,000, यहां से x का मान निकाल लेंगे, x का मान हो जाएगा 27,000 गुण 100/45, कैंसिल करिए यहां से 9 से कैंसिल करेंगे, 9 से 45 और ये हो जाएगा 9 से 27, 3 कितना 3 0। अब करते हैं यहां से क्या, 5 से कैंसिल करिए इसको, 5 6 30 00, यानी कितना हो जाएगा 600 × 100, कितना मिल गया 6 × 4 = 0, यानी कि इसका जो इनकम है कितना 60,000 है। तो ऑप्शन मेरा सही कौन सा हो गया, ऑप्शन जो सही होगा 60,000 ऑप्शन ए, ठीक है। तो एक्स का मान कितना आ गया, इनकम टोटल एक्स रुपया यानी कि 60,000, ये हुआ आंसर। चलिए इसको भी नोट डाउन करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम, एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3.1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया, उन्होंने गलती से 5.1/2% ज्ञात कर लिया जो कि 220 था, तो सही उत्तर क्या है, ठीक है। चलिए हम मानते हैं कि किसका परसेंट निकालना है, जो टोटल है, टोटल है हम सपोज मान लिए एक्स है, तो किसी स्टूडेंट को बोला गया कि आप एक्स का कितना निकालो, 3.1/2% निकालो, है ना, एक्स का बोला गया 3.1/2% निकालने के लिए, बट इन्होंने गलती से क्या कर लिया, ये ना निकालकर इसके जगह पर इन्होंने क्या फाइंड आउट कर लिया, एक्स का फाइंड आउट कर लिया क्या 5.1/2%, 5.1/2% के ज्ञात कर लिया। आ रहा समझ में, तो क्या दिया जा रहा है इसमें, तो फिर बोला जा रहा है कि एक्यूरेट इसका वैल्यू कितना था जो कि इसको ज्ञात करने के लिए दिया गया था। अब ये दे रहा है कि x का निकालना था कितना 3.1/2%, है ना, लेकिन निकाल क्या लिया, x का 5.1/2% जो कि कितना लिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है 220,
ठीक है 220 दिया हुआ है, तो बोला जा रहा है कि सही उत्तर क्या था, दैट मीन्स यहाँ पर इसको क्या मिलता है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू ही निकाल लेते हैं, फिर तीन गुणा की गुणा दो पर फिर निकाल लेंगे। चलिए इसका मतलब एक्स का 5 × 10 एक 11 बटे 2% का मान दिया हुआ है 220, यानी कि एक्स गुण है 11/2 बटे में 100 = 220। तो 11 से कैंसिल करिए, 11 × 2 = 22, 20 में कैंसिल हो जाएगा। तो x का मान कितना, 20 × 100 × 2 यानी कि 20 × 2 = 40 पर 00। x का मान कितना, 4000। अब हमें कितना फाइंड आउट करना था, हमको फाइंड आउट करना था x का 3 × 1/2 का मतलब कितना, 7/2% हमको निकालना था। निकाल लेंगे, x का मान दिया हुआ 4000 × 7/2 बटे में 100, तो 00 से 00 कैंसिल, 2 से 40 कैंसिल 20 बार में, 20 × 7 कितना 140। ये हुआ हमारा आंसर। तो ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन नंबर क्या 20 सही हुआ। ठीक है, देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। कोई नंबर दिया हुआ है जिसको बोला गया किसी स्टूडेंट से कि आप इस नंबर का 3.1/2% निकालो, लेकिन इन्होंने यहाँ पर गलती कर दिया और इसके बदले में उन्होंने निकाल लिया 5.1/2%। तो 5.1/2% उस नंबर का 220 मिल रहा है। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर यदि निकाला होता एक्यूरेट वैल्यू तो कितना आता। तो सबसे पहले हम x का मान फाइंड आउट कर लिए कि x है कितना, फिर उसका 3.1/2 यानी 7/2% का मान यहाँ से निकाल लिए। ठीक है, नोट डाउन करिए। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं आप परसेंटेज का। अगला क्वेश्चन तो है, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए, करीम और रावत दो उम्मीदवार थे, रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और वह 1600 मतों से पराजित हो गया, ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया था। चलिए हमने मान लिया क्या जो कुल मतदाता है टोटल हमने क्या ले लिया 100x ले लिया। क्लियर है, अब इसमें से क्या हो रहा है 20% अवैध हो गए, 20% क्या हो गए अवैध हो गए, मतलब ये जो वोट है वो अवैध घोषित कर दिए गए, 20% अवैध हो गए। तो यहाँ पर वैध मतों की संख्या कितना हो जाएगा, वैध मतों की संख्या, वैध मत हो जाएंगे यहाँ पर कितना, जब 20% खत्म हो गया तो 80% बचेंगे, यानी कि 100x का 80%। ठीक है ना, 100x का क्या होगा 80%, तो कितना हो जाएगा निकाल लीजिए, 100x × 80/100, 00 कितना 80x, यानी कि जो वैध मत है जिसकी काउंटिंग करनी है वो कितना है 80x। अब देखिए इसमें दो उम्मीदवार है, 80x में क्या है दो उम्मीदवार है, कौन कौन, पहला उम्मीदवार का नाम दिया हुआ है करीम और रावत, ये फॉर करीम आर फॉर रावत। ठीक है, अब इसमें क्या दे रहा है कि रावत वैध मतों का 40% प्राप्त करता है, रावत जो है रावत यहां लेते हैं और करीम को यहां पर लेते हैं, तो रावत क्या है 40% प्राप्त करता है और 40% प्राप्त करके क्या 1600 मतों से हार जाता है। आला समझ में, 40% प्राप्त करके 1600 मतों से क्या हो रहा है हार जा रहा है। तो हमको बताना है टोटल मत कितने थे यहां पर। ठीक है, तो अब यदि ये 40% पा रहा है तो ये कितना पा रहा होगा, ये 60% पा रहा होगा, है ना। यदि दो ही लोग हैं, एक हमारा क्या रावत और करीम, तो यदि रावत 80x का 40% पा रहा है तो करीम कितना पा रहा होगा 60% पा रहा होगा। अब दिया जा रहा है कि रावत 40% पाने के बाद 1600 मतों से हार जा रहा है, दैट मीन ये दिया जा रहा है यहां पर क्या, यहां पर दिया जा रहा है, यहां पर ये दिया जा रहा है रावत करीम जीत रहा है ना, करीम माइनस जो रावत है ये दिया हुआ है कितना 1600 दे रहा है। ठीक है, चलिए तो करीम क्या है, करीम 80x का 60% पा रहा है और रावत क्या है 80x का 40% पा रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं
60% माइनस 40% का जो मान है वो कितना लिया हुआ है 1600, यानी कि 20% का जो मान है कितना है 1600। तो 20% किसका 20%, 80x का 20% है ना। तो यहां पर लिखेंगे 80x का 20% का मान कितना 1600। तो ये निकाल दीजिए 80x का 20% कितना, 80x × 20/100=1600। डबल जीरो कैंसिल, x इक्वल टू कितना 1600/8 × 16 कितना x का मान हो गया 100। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि टोटल कितने लोग वोट दिए हैं। तो टोटल कितने लोग दिए हैं 100x, तो टोटल का मान हो जाएगा 100 × x का मान निकाल चुके हैं 100, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/4×0। आया समझ में, क्या किया हम इस क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले क्या किए हमने, मान लिया कि टोटल मत कितने हैं 100x है। अब 100x में क्या हो रहा है 20% अवैध घोषित हो गया, दैट मीन्स वो क्या हुआ, वो खराब हो गया। तो रिमेनिंग कितना बचा 80% बचा। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, यहाँ पर हम 100x का 80% निकाल लिए ताकि हमें ये पता चले कितने हमारे पास वैध मतों की संख्या है। तो हमें पता चल गया वो 80% है। अब 80% केस में क्या हो रहा है कि एक 40% पा रहा है, दूसरा 60% पा रहा है। ऑब्वियसली जो 40% पाएगा वो हारेगा। तो कितने वोटों से हार रहा है, 1600 मतों से हार रहा है। तो 1600 मतों से हारने का मतलब यह हुआ कि दोनों का जो डिफरेंस है 1600 मत है। यदि परसेंटेज के फॉर्म में देखें 60% और 40% का डिफरेंस 20%, तो 20% जो है वही तो एक्स्ट्रा हो जा रहा है ना। यदि इसका भी 60% होता तो इसके इक्वल होता, लेकिन इससे 20% कम है, रावत जो है करीब से 20% कम है, इसलिए 1600 कम मत इसको मिले हैं। तो 20% का मान कितना 1600। तो हम क्या किए यहाँ पर 80x का 20% निकाल लिए, x का मान मिल गया 100, यहाँ पर पुट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए यहाँ तक पहले।